ये कैलोट्रोपिक्स फ्लावर है, इसके अंदर है वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन में क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल इस तरीके से होगी, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो होगी लेकिन ओवरलैप नहीं करेगी। एस्टिवेशन है अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किसी भी फ्लोरल बर्ड के अंदर। वाल्वेट में कभी भी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन यही हम एग्जाम्पल अगर चाइना रोज़ का ले, तो चाइना रोज़ के अंदर होती है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होगा कि जो हमारे पैटर्न्स हैं उनके अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगी। एक होगा अप और एक होगा डाउन। हम देख भी सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि एक पैटल अप है, एक पैटल डाउन है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में। इसी तरीके से लेडी फिंगर के अंदर भी ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में। अगर पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मान लीजिए एक जो यहाँ पेटल दिख रही है दोनों साइड से ही ऊपर की तरफ है, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कि हमारे यहाँ ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल केशिया, इसके अंदर होती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी मार्जिन्स की लेकिन पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगी।